नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुद जीवन राशि पल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मीन राशि के अप्रैल 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत। इस राशिफल के अंदर हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है यह माह, यानी मीन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए, धन संबंधित बातों के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए, पारिवारिक स्थिति, भाग्य, बिजनेस, लाभ और व्यय को लेकर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुश जीवन राशिफल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मीन राशि, मीन राशि के स्वामी की बात करते हैं। मीन राशि के स्वामी बनते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं इस माह में, अत्यंत शुभ गोचर माना गया है। उसके बाद में हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति मीन के स्वामी होकर इस माह में अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, यानी मीन से निकल कर मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का इसी माह के अंदर गोचर हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अपने से धन भाव के अंदर धन संबंधित बातों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है, यानी किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको वहां पर धन लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। धन के स्वामी की बात करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। धन के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगल अपने से तृतीय भाव में, यानी अपने और आपके चंद्र लगने से चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मंगल का सेकंड हाउस के स्वामी का फोर्थ हाउस से कनेक्शन शुभ है क्योंकि जो है आपका फोर्थ हाउस पारिवारिक स्थिति है, सेकंड हाउस आपका कुटुंब माना गया है, धन माना गया है। तो मंगल यहाँ पर जो है बैठकर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र को लेकर, तो देवगुरु बृहस्पति आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के स्वामी, साथ साथ चंद्र लग्न के स्वामी भी हैं। अगर मैं बात करूँ जो चंद्रमा है आपके होरोस्कोप में, यानी मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचमेश के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर, साथ के साथ सूर्य का गोचर, आपको सूर्य और गुरु जो यहाँ बैठकर आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं, करेज बढ़ाने वाले हैं, आपके कार्यक्षेत्र को लेकर भी वृद्धि करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य का कनेक्शन अगर दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से हो रहा है तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा माना गया है और आपके कार्यक्षेत्र में सक्सेस के लिए भी यह बहुत शुभ माना गया है। आइए बात करते हैं मंगल की स्थिति को लेकर। मंगल यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल का स्थिति अगर मैं बात करूँ चतुर्थ भाव में बैठकर, आपके सप्तम भाव और दशम भाव दोनों को अगर इफेक्ट डाल रही है तो यहाँ पर आपके बिजनेस और आपके कार्यक्षेत्र दोनों के अंदर आपके भाग्य में की वृद्धि के फलस्वरूप दोनों में वृद्धि होने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि की, तो मंगलदेव लाभ भाव पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ पर मंगल की उच्च की दृष्टि मानी गई है क्योंकि यहाँ पर मंगल की उच्च की राशि मकर राशि पड़ती है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ लाभ की स्थिति को लेकर, तो यहाँ लाभ के स्वामी यानी एकादश भाव के स्वामी शनि बनते हैं। शनिदेव द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण स्थिति, द्वादश भाव में बैठकर वे अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जो भी वृद्धि होने वाली है वो कहीं ना कहीं व्यय भी होने वाली है, क्योंकि लाभ की स्थिति के स्वामी की अगर हम बात करें तो वह स्वामी व्यय भाव के अंदर, द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और आपके धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर शनिदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो अगर वो द्वादश भाव में बैठकर द्वादश के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, साथ के साथ आपके धन भाव के ऊपर भी अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लाभ प्राप्त होने वाला है वह व्यय के अंदर भी जाने वाला है। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस को लेकर। सिक्स हाउस यहाँ पर सूर्य बनते हैं आपके छठे भाव के स्वामी। रोग, रिपु, ऋण अगर हम बात करें यह कारक माने गए हैं। और अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर जो है वो आपके चंद्र लग्न के ऊपर से हो रहा है, यानी पंचम के ऊपर से। और छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मित्र के हैं यहाँ पर सूर्यदेव, गुरु के भी और चंद्र के भी, तो बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो सिक्स के स्वामी होकर अपना चंद्र लग्न के ऊपर के बाद से, यानी मीन राशि के बाद से मेष राशि के अंदर गोचर करना भी यहाँ पर सूर्य के लिए एक इफेक्टिव गोचर हो सकता है। सूर्यदेव यहाँ उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं, हालांकि राहु के साथ में है तो ग्रहण योग का निर्माण भी यहाँ पर छठे भाव के स्वामी के साथ में कर रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर या मैं कहूँ कि शत्रुओं में वृद्धि भी आपको देखने को मिल सकती है इस माह के अंदर मीन राशि वालों के लिए। बात करते हैं ओवरऑल अगर कैसा रहने वाला है, तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य यहाँ पर और गुरु आपके चंद्र लग्न के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, धन संबंधित बातों को लेकर गोचर बहुत अच्छा है। धन के स्वामी की स्थिति भी आपके गोचर के फलस्वरूप
आपको जो है इफेक्ट डाल रही है आपके कार्यक्षेत्र और बिजनेस को लेकर, ये दोनों भी अच्छे चलने वाले हैं। आपके चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध बनते हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, जो कि आपके सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी द्वितीयेश और चतुर्थेश, इन दोनों का राशि परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। यह गोचर आपके पारिवारिक सपोर्ट को अवश्य दिखाता है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव और आपके धन भाव में से राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर पराक्रम भी देखने को मिलेगा आपको अपने कार्यक्षेत्र में। धन्यवाद।